ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ कोमल सिंह। नवतेज ह्यूमैनिटी अस्पताल के इंचार्ज नवतेज सिंह गुग्गू, जिसके खिलाफ बटाला पुलिस की तरफ से अलग अलग धारों तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया था, मनियुग अदालत की तरफ से आज नवतेज गुग्गू को जमानत पर रिहा करने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं नवतेज सिंह गुग्गू के वकील विक्रम सिंह ने बताया कि बटाला पुलिस की तरफ से अलग अलग धारों के तहत नवतेज सिंह गुग्गू समेत 19 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था और पिछले कुछ दिन पहले नवतेज को गिरफ्तार किया गया था और उसे पुलिस रिमांड के बाद अदालत की तरफ से 13 जुलाई को गुरदासपुर जेल भेज दिया गया। वकील ने बताया कि उनकी तरफ से मनियुग अदालत में गुग्गू की जमानत की अर्जी उनकी तरफ से लगाई हुई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए आज बटाला की अदालत की तरफ से नवतेज सिंह गुग्गू की जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई है। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। नवतेज सिंह गुग्गू की जी बेल एप्लीकेशन सी 437 CRPC के तहत असी मानयोग अदालत श्री बिक्रमदीप जसब की कोर्ट के बटाला विखे फाइल की सी, जिस दिन उसनों जुडिशियल रिमांड में भेजा गया सी उस दिन फाइल कर दी गई सी। अज मानयोग अदालत ने साडी बेल की सुनवाई करते हुए उसनों बेल से रिहा होने वास्ते हुक्म जारी किए। हाँ जी, ये खिलाफ जी जी धारावान सी 437 353 187 149 IPC के तहत बटाला पुलिस स्टेशन बटाला दे विच इहदे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया सी, जिहदे विच 353 जी धारा वा वो नॉन अवेलेबल होने करके इसकी जी बेल जी रेगुलर फिर फाइल की गई सी, क्योंकि इसकी अरैसट हो चुकी सी कंसर्न पुलिस स्टेशन वालों। हाँ जी, जिहड़े विक्रमजीत सिंह बहुईआं। हाँ जी सर, उहदियां जिहड़ियां बेल एप्लीकेशन आ 438 एंटीसपिटरी बेल असीं फाइल कीती होई आ जी, जिहड़ी कि मानयोग अदालत श्री जसविंदर सिंह जसब की कोर्ट के पेंडिंग आ, तो उसकी जिहड़ी सुनवाई की तरीक उन्होंने 17/7 इस महीने की 17 तरीक रखी हुई आ, तो उम्मीद है कि वह भी बेल आपां फैक्ट्स के मुताबिक जी करवाई। हुण कदों तक नवतेज सिंह गुग्गू जी अपने घर वापस आ जाएंगे? हाँ जी, बेल बोंड्स उन्होंने फरिश कर दिए गए आ क्लर्क्स वालों, जे जिहड़े एक्सैप्ट भी हो चुके हैं मानयोग अदालत वालों।